हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी एंड हेल्दी दाल ढोकली। गुजरात और राजस्थान में दाल ढोकली बोलते हैं और महाराष्ट्र और कर्नाटका में चकोली बोलते हैं। गेहूं के आटा, दाल, मेथी भाजी और मसाले युक्त अपने आप में पूरा खाना ही है। बारिश और ठंडी के मौसम में डिनर के लिए गर्मा गर्म खाने में मज़ा ही कुछ और है। दाल ढोकली बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं। कढ़ाई लेंगे, लो फ्लेम पे गरम करने के लिए रखेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, उसमें 1 चम्मच राई डाल लेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 बॉल बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल के फ्राई कर लेंगे। दो बड़े चम्मच कटे हुए टमेटो डालेंगे और फ्राई कर लेंगे अच्छे से। एक कप मेथी का भाजी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/4 स्पून हींग डालेंगे, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला भी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी 1 बाउल ग्रेटेड कोकोनट डाल के अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लीजिए। अभी 1 बाउल तूर दाल पकाया हुआ डाल लेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए। 2 बाउल पानी डाल के अच्छे से उबाल लेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल के फ्राई कर लीजिए। 6 से 8 मिनट तक अच्छे से लो फ्लेम पे उबाल लीजिए। अभी आटे को तेल में ही आपको अच्छे से बड़ा कर लेना है। आप देख रहे हैं कैसा बड़ा करना है तेल लगा के। आप देख रहे हैं रोटी जैसा हुआ है, पतला सा। नाइफ लेके अच्छे से काट लीजिए। आप देख रहे हैं कैसा काटना है, ये शेप पे काट लीजिए। अभी कढ़ाई में जो उबाल आ रहा है उसी में आपको ये रोटी का स्लाइसेस डालना है, अच्छे से फैलाना है। आप देख रहे हैं अच्छे से फैला के डालना है, एक के ऊपर नहीं डालना है। एक के ऊपर डाले तो चिपक जाएगा। अभी दूसरे रोटी भी ऐसे ही कर बनाइए तेल लगा के। नाइफ से कट करिए। और फिर आप कढ़ाई में डाल लीजिए, अलग अलग डाल लीजिए। आप देख रहे हैं कैसे बॉईल हो रहा है। थोड़ा सा अच्छे से चम्मच से ऊपर नीचे कर लीजिए और ढक के रखिए। 2 मिनट तक ढक के रखिए और आपको
ये टेस्ट करना है बॉईल हुआ है या नहीं, कुक हुआ है या नहीं, आप देख लीजिए। अभी आपका दाल ढोकली चकोली रेडी है गार्निशिंग के लिए। धनिया पत्ता डाल के गार्निशिंग कर लीजिए। आपका टेस्टी एंड हेल्दी दाल ढोकला चकोली रेडी है खाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।